हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लास। आई एम सरिता तिवारी, योर मैथ्स टीचर। वी वर स्टडिंग लेसन नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज हाउ बिग हाउ हैवी। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम इस लेसन में। चूंकि हमको वॉल्यूम एक्सप्लेन करना है, इसलिए सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस लेसन में हमने एरिया के फॉर्मूले देखे, एरिया को फाइंड आउट करना सीखा। अब इस लेसन में हम वॉल्यूम सीखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड इंटू साइड, टू टाइम साइड्स। आप जानते हैं क्यूब 3D शेप है, इसलिए उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच, और क्यूब को हम साइड क्यूब कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका कोई भी अगर क्यूब है और क्यूब का फॉर्मूला आप क्यूब का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए क्यूब है आपका, ठीक है, क्यूब शेप है, तो आप जानते हैं क्यूब की सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर एक साइड्स आपका 10 सेंटीमीटर का है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो एक आपका साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड आपका 10 सेंटीमीटर है, और तीसरा साइड आपका 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा वॉल्यूम फाइंड आउट करने, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो कैसे हम करेंगे, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की हम मेजरिंग यूनिट को क्यूब में मेंशन करते हैं, क्योंकि हम 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें, इस सेंटीमीटर को, इस सेंटीमीटर को, इस सेंटीमीटर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मेजर क्या यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मान लीजिए ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है, अब इसकी लेंथ और हाइट और ब्रेथ है, सब अलग अलग है। मान लीजिए इसकी लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसकी हो गई 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट इसकी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम लिख देंगे लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो हम यहां इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का 150 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी मेजरिंग यूनिट को हम क्यूब में शो करते हैं, क्योंकि ये 3 टाइम्स सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये इसका वॉल्यूम ऑफ इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया 150 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे पिछले लेसन में हमने पढ़ा था एरिया, उसमें 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते थे, तो उसकी यूनिट को हम स्क्वायर में लिखते थे, और इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी यूनिट को हम क्यूब में शो करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, गणेश एंड दीपा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन बॉक्सेस, दीज आर टू बी सेंट टू अ स्कूल, देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग, विल दे एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन देयर 3 बॉक्सेस। क्वेश्चन हमारा है कि गणेश और डिंगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स को बॉक्सेस में पैक करना चाहते हैं, दीज आर टू बी सेंट टू अ स्कूल, और ये एक स्कूल को भेजा जाना है, देर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग, ये 3 बॉक्सेस अवेलेबल हैं उनको पैकिंग करने के लिए, विल दे एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन देयर 3 बॉक्सेस।
तो क्या ये जो 4000 ग्रुप्स हैं उसके लिए ये जो बॉक्सेस हैं ये एबल है कि वो उन 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स को इनके अंदर पैक कर सके। तो उसके लिए पहले हमको इनकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने पहले आपको बताया कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी जगह घेरे हुए है। तो ये क्यूब्स कितनी जगह घेरेंगे इसके लिए हमको हर एक बॉक्स का एक अलग अलग वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, जिससे हम पता कर सके कि ये तीनों बॉक्स जो है ये 4000 क्यूब्स को फिट, इसमें जो 4000 क्यूब हम इसमें रखेंगे इसके लिए एबल है या नहीं है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। पहले बॉक्स ए का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, हमको दो फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए थे कि क्यूब और क्यूबॉइड का। तो उसके लिए हमको ये शेप को चेक करना पड़ेगा कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो उसके लिए चलिए हम देख लेते हैं कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो देखिए इसकी जो लेंथ है, इस बॉक्स ए की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो देखने से लगता है कि ये तो क्यूबॉइड है। तो चलिए हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए, शेप क्या है, ये क्यूबॉइड है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए लिखते हैं, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करते हैं 20 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 और 200 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 क्यूब सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी इससे पहले बताया कि हम वॉल्यूम की जो मेजरिंग यूनिट होती है उसको क्यूब के साथ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये तीन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे हमने 20 को 10 को और 6 को जब मल्टीप्लाई किया तो 1200 आया, लेकिन सेंटीमीटर 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 इसको भी तो साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है। तो तीन बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया है तो उसके लिए भी तो हमको उसकी मेजरिंग यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो 1200 है क्यूब सेंटीमीटर, आप इसको 1200 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यूब थ्री टाइम्स को दिखाया जाता है, इसीलिए इसकी मेजरिंग यूनिट हम लिखेंगे 1200 क्यूब सेंटीमीटर या 1200 सेंटीमीटर क्यूब, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बी है, सेकंड है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी। अब ये जो बी है वॉल्यूम, यहां से देखिए, यहां से इसकी लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 11 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये शेप भी हमारा क्यूबॉइड हो गया। तो चलिए इसको भी हम क्यूबॉइड ही लिखते हैं, यहां पर क्यूबॉइड लिखते हैं। तो इसके भी इसका भी फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 11 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 121 और 121 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1210 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया बॉक्स बी का 1210 क्यूब सेंटीमीटर। चलिए अब हम थर्ड बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स
सी। ये भी हमारा शेप क्या है? क्यूबॉइड। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स सी। ये भी शेप देखिए कैसे है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 9 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी शेप हमारा क्यूबॉइड हो गया। तो इसका भी फॉर्मूला हम लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 9 = 135, और 135 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1350। तो 1350 क्यूब सेंटीमीटर। तो मैंने आपको ये बताया कि क्यूब क्यों लिखते हैं हम मेजरिंग यूनिट में, और इस तरह से ये तीनों हमने तीनों बॉक्स की वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया है। बॉक्स ए की, बॉक्स बी की और बॉक्स सी की वॉल्यूम को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये तीनों बॉक्स एबल है इस 4000 क्यूब्स को अपने अंदर फिट करने के लिए। तो ये अलग अलग तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है तीनों का, अब चलिए हम देखते हैं कि क्या ये तीनों बॉक्स एबल है या नहीं है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री बॉक्सेस कितना है? फर्स्ट का वॉल्यूम था हमारा 1200 क्यूब सेंटीमीटर, सेकंड का था हमारा 1210 क्यूब सेंटीमीटर, और थर्ड का हमारा था, सी बॉक्स का वॉल्यूम था हमारा 1350 क्यूब सेंटीमीटर। तो टोटल ये कितना हो गया? 0 0 and 0 0, 5 1 6 6, 3 and 2 5 and 2 7, 1 2 and 3, 3700 क्यूब सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो कितना इन तीनों की जो वॉल्यूम निकला है 3760 क्यूब सेंटीमीटर, मतलब कि इन तीनों बॉक्सेस में 3760 क्यूब्स ही फिट हो सकते हैं, लेकिन हमको तो फिट करना है 4000, तो 4000 इसके अंदर नहीं क्यूब्स फिट हो सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल थ्री बॉक्सेस कैन होल्ड ऑल थ्री बॉक्सेस ए बी एंड सी, ए बी एंड सी कैन होल्ड 3760 क्यूब सेंटीमीटर। सो दिस बॉक्सेस आर नॉट एबल